हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपके लिए एक और बिजनेस आइडिया लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप इसी तरह के बिजनेस आइडियाज़ और ऑनलाइन मनी मेकिंग के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो मनी मेकिंग स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह के बिजनेस से जुड़े नए नए वीडियोज़ लेकर आने वाली हूँ। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके लिए योग बिजनेस लेकर आई हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप योग सिखा कर भी कमाई कर सकते हैं। योग क्लासेस, आप चाहे तो योग क्लासेस शुरू कीजिए, आप चाहे तो अपना इंस्टीट्यूट भी इसमें खोल सकते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप योग सिखा कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि हर कोई योग करने में रुचि रखता है। योग भारत में बहुत पहले से किया जाता रहा है। योग शरीर को स्वस्थ बनाने के साथ ही ध्यान और अध्यात्म के साथ ही एक अच्छा व्यायाम भी है। योग में भी आप अपने करियर को बना सकते हैं। इसमें कमाई के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं। इस क्षेत्र में कमाई करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह बिजनेस शुरू करने से पहले आपको इसमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। इस बिजनेस को शुरू करने में आपका पहला कदम एक योग संस्थान से प्रशिक्षण के रूप में प्रमाणीकरण, यानी कि आपको किसी संस्थान से ट्रेनिंग और उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। योग अलायंस एक संगठन है जो राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है। आपको इसमें प्रमाणित होने के लिए योग अलायंस को एक बार 1000 रुपये तक आवेदन शुल्क और 3000 तक वार्षिक शुल्क की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने स्कूल में शिक्षकों की ट्रेनिंग को निर्देशित करना चाहते हैं तो एक पंजीकृत योग स्कूल RYS प्रमाणन के लिए 200 घंटे के स्तर से शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करना होगा। इस पंजीकरण के लिए एक बार में 2000 रुपये आवेदन शुल्क और 13000 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क की आवश्यकता पड़ती है। इन सब कामों को करने के बाद आपको यह तय करना होगा कि आप इस बिजनेस को किस रूप में शुरू करना चाहते हैं, यानी कि आप अकेले इस बिजनेस को करना चाहते हैं या एक संस्था के रूप में। इस तरह से आपको एक बिजनेस योजना तैयार करनी होगी। ऐसे कई अवसर हैं जो अपने अभ्यास को शुरू करने के लिए सम्मान में ले सकते हैं। एकमात्र मालिक के रूप में काम करने का विकल्प चुन सकते हैं, पर एक आधार पर निजी ग्राहक सेवा भी कर सकते हैं। वास्तव में योग प्रशिक्षकों के लिए जीविका बनाने के लिए अधिक आकर्षक तरीके हैं। आप एक निजी हेल्थ क्लब या मौजूदा योग सेंटर के लिए भी काम कर सकते हैं। इस बिजनेस की शुरुआत आप किसी स्थापित योगालय के लिए काम करके कर सकते हैं। इसमें आपको इस काम का अनुभव भी मिलेगा। इससे आपको यह फायदा होगा कि लोग आपको जानने लगेंगे, जिससे आपको यह बिजनेस शुरू करने में काफ़ी मदद भी मिलेगी। आपको यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि आप किस प्रकार के योग को सिखाना चाहते हैं। योग एक सामान्य शब्द है जो पश्चिम में विभिन्न भौतिक और आध्यात्मिक उद्देश्यों के साथ हजारों पार अनुशासनात्मक रूपों का उल्लेख कर सकता है। हालांकि कुछ और अधिक लोकप्रिय है और इस अन्य की उपेक्षा अधिक आकर्षक है। कुछ चीज़ों जो काम करती हैं लगता है कि बहुत लोकप्रिय है, वह युवा पीढ़ी के साथ फैशनेबल योग और सर्फिंग जैसी चीज़ें हैं। आजकल की युवा पीढ़ी भी योग करना एक फैशन मानती है और वो इसके फायदे भी जानती है। इसी वजह से इस क्षेत्र में कमाई के बहुत से अवसर आपको मिल रहे हैं। शुरुआत में आप फ्री क्लास की भी व्यवस्था कर सकते हैं। एक सरल, अधिक लागत और प्रभावी विकल्प एक शांत सार्वजनिक स्थान पर काम करने के लिए हो सकता है। अगर आप न्यूयॉर्क सिटी ने के सेंट्रल पार्क योग के प्रशिक्षकों ने अन्य प्रतिष्ठानों में अध्यापकों को बनाए रखने के साथ ही तेजस्वी पार्क में कक्षाओं के सेट की अध्यक्षता की है। आप चाहे तो योग की DVD भी बनवा सकते हैं। आप इसमें अन्य अनूठे विकल्पों को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे एंटी ग्राविक योग, आहार योग और जनपोर योग। अगर आप योग बिजनेस में आना चाहते हैं तो व्यवसाय में जाने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास अपने सभी ठिकानों को कवर करना पड़ेगा और आपने अन्य अपने
पर्यावरण की पूरी तरह से प्रशिक्षण कर लिया है। यदि आप किसी बड़े शहर में हैं तो आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली कक्षाओं के प्रकार के साथ आपके पास अधिक छूट हो सकती है। हालांकि यदि आप उपनगरीय या ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो स्कूल के घंटों के दौरान अधिक लक्षित जनसंख्या को पूरा करने की जरूरत हो सकती है। शुरुआत में आप अपने ऊपरी व्यय को कम करने की कोशिश करें, उसके बाद धीरे धीरे अपने व्यवसाय को अपने ग्राहकों के साथ बढ़ने की अनुमति दें, ना कि अन्य तरीकों से। इससे आपको अपने बिजनेस में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। योग बिजनेस आजकल कमाई का बहुत बड़ा जरिया बन गया है। इसमें आपको कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप अपनी क्लास में जो भी सिखा रहे हैं उससे लोगों को फायदा मिलना चाहिए और आपके पास इसकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। इस तरह से आप योग बिजनेस शुरू करके आसानी से अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी योग बिजनेस संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपने अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड इसे सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ अपने अगले बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।